सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ एक, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण का पाठ पढ़ेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लिपि। ये भाग तीन है। बच्चों, मैंने आपको भाग एक में भाषा बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको बोली बताया। आज हम भाग तीन में सबसे पहले जानेंगे लिपि। लिपि क्या है, इसे हम विस्तार से सीखेंगे और आप सभी बच्चे इसे अच्छे से समझेंगे। हिंदी व्याकरण पाठ एक, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाग तीन, लिपि। ज्ञान, विचार और भावों को स्थिर और स्थायी रूप प्रदान करने के लिए लिपि का उद्भव हुआ। लिपि की परिभाषा, ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ध्वनि चिन्हों के स्वरूप का ज्ञान ही अक्षर ज्ञान है। जब हम किसी के विषय में कहते हैं कि वह पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि उसे अक्षर ज्ञान नहीं है। उसे बोलना आता है पर लिखना नहीं आता। आज भी विश्व की अनेक अनेक भाषाओं की लिपियां हैं। जैसे भाषा, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसी से गुजराती व बंगला भाषा की लिपियों का भी विकास हुआ है। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां इस प्रकार हैं। भाषा लिपि, संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी, मराठी देवनागरी, हिंदी भाषा की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू की फारसी। बच्चों, आपको समझ में आ गया कि भाषाओं की कौन-कौन सी लिपियां होती हैं। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। भाग चार, व्याकरण। प्रत्येक भाषा में अलग-अलग ध्वनि वर्णों, शब्दों और वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए प्रत्येक भाषा में इनकी रचना से संबंधित नियम भी अलग-अलग होते हैं। व्याकरण इन नियमों का संकलन तथा विश्लेषण कर भाषा को एक सुनिश्चित व्यवस्था प्रदान करता है। भाषा परिवर्तनशील है। समय समय पर भाषा में जो परिवर्तन होते जाते हैं, उन्हीं के अनुसार व्याकरण में भी परिवर्तन होते जाते हैं। अब बच्चों, हम देखेंगे व्याकरण की क्या परिभाषा होती है। व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण के अंग, व्याकरण के मुख्य तीन अंग होते हैं। व्याकरण के अंग, पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। बच्चों, अब हम इस पूरे पाठ के प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे कि इसमें क्या-क्या है। पहले, भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के मुख्य दो रूप हैं, मौखिक व लिखित। भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ध्वनियों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण
हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना व बोलना सिखाता है। और व्याकरण के अंग है लास्ट में तीन, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। बच्चों, आपको आज का ये पाठ आशा करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब हम आपको इस पाठ का अभ्यास कार्य दे रहे हैं, जिसे कि आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। बच्चों, आपको पार्ट एक का भाषा क्या है, बोली क्या है, लिपि और व्याकरण क्या है, आशा करती हूँ कि सभी कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग इसे फिर से अच्छे से और पढ़ेंगे। मैंने इस पाठ से कुछ प्रश्न आपको दिए हैं, जिसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।